हेलो ऑल, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर चैनल विच इज़ तरुणा पब्लिकेशंस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टेंस की बेसिक बातें बताई थी और एक टेबल बताई थी। आज मैं उस टेबल को आपको समझाऊंगी। जैसे हमारे पास 12 टेंस है, उसमें से ये जो तीन बेसिक है, इसका मतलब तो आपको पता होगा, जैसे कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, यानी कि जो बीत चुका है। प्रेजेंट टेंस यानी कि जो चल रहा है, वर्तमान काल। और फ्यूचर टेंस मतलब कि भविष्य काल, जो आने वाला है। अब इसके भी जो पार्ट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है इनडेफिनेट टेंस। इनडेफिनेट टेंस जो है, इसे हिंदी में अनिश्चित कहा जाता है। इनडेफिनेट मतलब कि जैसे कि इसके हिंदी सेंटेंस जो है, उसमें लास्ट में आता है ता था, ती थी, ते थे या ये। तो इसमें इसमें देखिए, जैसे सेंटेंस होता है कि राम पत्र लिखता था, तो राम पत्र लिखता था, ये उसने कब से शुरू किया, कब खत्म किया, इसके बारे में हमें नहीं पता है। तो ये जो टाइमिंग है, यानी ये जो इंडेफिनेट टेंस है, ये अनिश्चित होता है। ये कब शुरू हुआ ये भी नहीं पता होता, और ये कब ख़त्म होगा इसका भी नहीं पता होता। नेक्स्ट है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस जो है वो कंटिन्यू सब्जेक्ट सॉरी कंटिन्यू वर्ड से बना है। कंटिन्यू मीन्स लगातार, यानी कि ऐसा काम जो लगातार हो रहा है, जो कब ख़त्म होगा वो हमें नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि वो चल रहा है। जैसे कि रहा था, हिंदी सेंटेंस में इसके लास्ट में आता है रहा था। रहा था जो है मतलब कि राम पत्र लिख रहा था, यानी कि वो पत्र लिख रहा है। मतलब कि ये नहीं पता कि वो पत्र जो है वो उसका लिखना कब समाप्त होगा, यानी कि ये जो काम है वो लगातार। इनडेफिनेट जो आता है वो अनिश्चित, इसका हिंदी होगा अनिश्चित, इसमें होगा लगातार। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में हम सॉरी नेक्स्ट टेंस में हम आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस जो है, परफेक्ट हम किसे बोलते हैं, जब हमारा कोई काम हो जाता है, वो पूरा हो जाता है, मतलब वो परफेक्ट है। तो परफेक्ट टेंस जो है वो किस में आता है, यानी कि जो काम हमारा हो चुका है कंप्लीट, इसे हम कंप्लीट भी बोल सकते हैं। तो इसमें जैसे हिंदी सेंटेंस में आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी कि राम पत्र लिख चुका था, यानी कि उसका जो पत्र है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए, इसमें दो दो टेंस जो है ना, जो ऊपर आए कंटिन्यूअस और परफेक्ट, दोनों मिलके बनाए गए। तो परफेक्ट मीन्स तो जो कंप्लीट हो चुका है, और कंटिन्यूअस मतलब कि लगातार, यानी कि जो काम हो भी चुका है और लगातार भी चल रहा है। जैसे कि अब इसमें मैंने यहाँ पे से लिखा है। से मीन्स यहाँ पे टाइमिंग आता है कि सुबह से, शाम से, 4 बजे से। तो ये से मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है, यानी कि राम जो है वो सुबह 4 बजे से पत्र लिख रहा है, लिख रहा था। तो ये जो से है ये टाइम के लिए आता है। नेक्स्ट, अब इसके मैंने आपको 4 पार्ट बताए हैं, ऐसे ही बाकी टेंस में भी होता है। अब मैं इसकी एक बार हेल्पिंग वर्ब और समझा देती हूँ आपको। तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो है ये है डिड और वी टू। अब मैंने यहाँ पे ये ऑब्लिक लगाया, तो इससे आपको ये ध्यान में रखना है कि डिड और वी टू साथ में नहीं आते हैं। यानी डिड जो है वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं, और जो वी टू है वो है सिंपल सेंटेंस में आता है। यानी जहाँ वी टू आएगा वहाँ डिड नहीं आएगा, और जहाँ डिड आएगा वहाँ वी टू नहीं आएगा। आगे मैं इसका एग्जांपल भी बताऊंगी आपको। नेक्स्ट है वाजवर प्लस वी फोर। इंग्लिश सेंटेंस में वाजवर प्लस वी फोर। वी फोर मैंने आपको पहले भी बताया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। नेक्स्ट है परफेक्ट टेंस में आता है हैड प्लस वी थ्री। और फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है हैड प्लस बीन प्लस वी फोर। अब इसकी एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको इसको लर्न करने की। सबसे पहले आपके पास 12 टेंस है, तो 12 टेंस में आपको ये ध्यान रखना है कि जो तीनों इंडेफिनेट टेंस जो है तीनों के, वो एकदम अलग होते हैं।
अलग कैसे, जैसे इनकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब बिल्कुल अलग होती है, आपस में उनका कोई कनेक्शन नहीं होता है। जैसे कंटिन्यूस जो टेंस है उसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि कंटिन्यूस में यहाँ भी वी फोर है और प्रेजेंट के कंटिन्यूस में भी यहाँ पे वी फोर है और यहाँ भी कंटिन्यूस में वी फोर है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि तीनों कंटिन्यूस और जो परफेक्ट कंटिन्यूस है उसमें भी वी फोर ही आता है। तो ये आप एक ट्रिक बना सकते हैं अपनी कि सारे जो कंटिन्यूस टेंस है उनमें वी फोर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। इसके बाद में नेक्स्ट है परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस में भी आपको ध्यान में रखना है ओनली जो परफेक्ट टेंस है ना कि परफेक्ट कंटिन्यूस। तो परफेक्ट टेंस जो है उसमें सब में वी थ्री आता है, वी थ्री यहाँ भी वी थ्री और यहाँ भी वी थ्री, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में ये हो गए आपके कंटिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, ये मैंने सारा बता दिया है। और इंडेफिनेट टेंस जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा कि पास के इंडेफिनेट में डिड या फिर वी टू आता है और प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू डज या वी फाइव आता है और फ्यूचर इंडेफिनेट में विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये तीनों आपस में बिल्कुल अलग होते हैं। तो ऐसे ही आपको इसमें ध्यान में रखना है डिड और वी टू साथ में नहीं आएंगे और ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू और डज या फिर वी फाइव लिखा है मैंने यहाँ पे, तो डू और डज प्लस वी फाइव कभी नहीं आता है, ये दोनों अलग अलग आएंगे। जैसे सिंपल सेंटेंस में जो है वो वी फाइव आता है और नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू डज आता है। इसके बाद में आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप हमें बताएं कि आप एक एक सेंटेंस को अगर और ज़्यादा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। इसी के साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपनी इंग्लिश की प्रॉब्लम हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से शेयर करें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।